हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ मोटर। तो मोटर में सबसे पहले जो प्रोटेक्शन देना होता है वो कौन सी कंडीशंस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देना है और ऐसी कौन सी एबनॉर्मल कंडीशंस क्रिएट होती है कि जिसके सामने हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल टेबल बनाया है। तो सबसे पहले हम एबनॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, ओवरलोड कंडीशन की। तो मोटर में जब भी लोड इंक्रीज हो जाता है, दैट मींस मोटर का लोड हमारा मैकेनिकल लोड होता है, तो मैकेनिकल लोड इंक्रीज हो जाने की वजह से मोटर ओवरलोड कंडीशन में जाती है। दूसरा है कि अगर हमारी बेरिंग्स जो होती है मोटर की, वो बेरिंग्स में अगर प्रॉब्लम्स होता है, बेरिंग्स बिगड़ जाती है, तब भी मोटर हमारी ओवरलोड कंडीशन में जा सकती है। तो ऐसी ओवरलोड कंडीशन में जब भी मोटर जाती है तब मोटर का जो करंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई तभी हमें प्रोटेक्शन देना जरूरी है। अदरवाइज अगर ओवरलोड कंडीशन ज्यादा देर तक चलती है तो मोटर्स की वाइंडिंग्स बर्नआउट हो सकती है। सो दैट्स व्हाई वो ओवरलोड के सामने प्रोटेक्शन देने के लिए फर्स्ट ओवरलोड रिलीज, तो वन टाइप ऑफ ओवरलोड रिलीज कॉइल आती है, वो हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है थर्मल ओवरलोड रिले, कि जो बेसिकली ड्यूएल स्टार्टर्स और स्टार्टर में यूज किया जाता है। थर्ड वन है इनवर्स ओवर करंट रिले, जो कि जो ओवर करंट जाएगा ओवरलोड की वजह से वो सेंस करके रिले ऑपरेट करता है। और फोर्थ वन है हमारा सिंपल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि हम सब जानते हैं कि MCB की ओवरलोड कंडीशन में वो ट्रिप हो जाता है। सेकंड एबनॉर्मल कंडीशन है फेस फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट, दैट मींस हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो जब भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है तो फेज या तो अर्थ को टच हो जाता है या दो फेज बिटवीन शॉर्ट हो जाते हैं, तो दैट इज शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो सबसे पहले शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हम फ्यूज यूज करते हैं, तो सबसे बेस्ट फ्यूज है हमारा HRC फ्यूज, हाई रपचरिंग कैपेसिटी फ्यूज शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट में। दूसरा है हाई सेट इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले मीन्स कि इंस्टेंटेनियस वर्ड ही है कि इंस्टेंट, कि ओवर करंट इंस्टेंट में चला जाए। तो फेस फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट होता है तब जो हमारा नॉर्मल करंट होता है वो इंस्टेंटली ओवर करंट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई हाई सेट इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले की मदद से हम वो सेंस कर सकते हैं और मोटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड वन है हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, तो जो हम इनपुट और आउटपुट जो हमारा डिफरेंशियल करके हम उसको मोटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, कि मोटर को हम थ्री फेज वोल्टेज अगर दे रहे हैं, थ्री फेज वोल्टेज अगर लो हो जाते हैं और हमारा जो सप्लाई सिस्टम है वो अंडर वोल्टेज हो जाता है, तो तभी हमें प्रोटेक्शन देना जरूरी है। तो उसके लिए भी अंडर वोल्टेज रिलीज कॉइल आती है, कि वो कॉइल जब भी वो कॉइल को हम दो फेज सप्लाई करते हैं तो वो फेज से वो कॉइल ऑन रहती है, बट अगर वोल्टेज लो हो जाते हैं सो दैट्स व्हाई कॉइल ऑफ हो जाएगी और वो ट्रिप करवाएंगे सर्किट। सो दैट इज अंडर वोल्टेज रिलीज कॉइल। और नेक्स्ट है अंडर वोल्टेज रिले, कि अगर वोल्टेज लो हो जाते हैं तो वो रिले होगी वो उसको सेंस करके हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करवाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन है अनबैलेंस वोल्टेज, कि जो हमारे थ्री फेज वोल्टेज है उसमें अगर अनबैलेंसिंग हो, तो ये अनबैलेंसिंग जानने के लिए नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी थ्री फेज में अनबैलेंसिंग होता है तो वन नेगेटिव सीक्वेंस जनरेट होता है, और ये नेगेटिव सीक्वेंस जो होता है वो हम नेगेटिव फेज सीक्वेंस ओवर सीक्वेंस रिले से जान सकते हैं। सो दैट्स व्हाई अंडर अनबैलेंस वोल्टेज के सामने हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। फिफ्थ वन है हमारा रिवर्स फेज सीक्वेंस, कि अगर थ्री फेज सिस्टम है तो उसमें अगर फेज चेंज हो जाती है, फेज रिवर्स हो जाते हैं, जैसे कि RYB है नॉर्मली, उसकी जगह पे अगर YRB हो जाते हैं, मीन्स दो फेज अगर ऑल्टरनेट हो जाएंगे, तो हमें पता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मीन्स कि फर्स्ट सपोज क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो वो अगर फेज हो चेंज होने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई अगर फेज चेंज होते हैं और रिवर्स फेज होते हैं तो उसके सामने प्रोटेक्शन देने के लिए फेज रिवर्सर प्रोटेक्शन रिले यूज की जाती है, जिसके हमारा मोटर का डायरेक्शन चेंज ना हो और मोटर ट्रिप हो जाए। सो दैट्स व्हाई उसको हम प्रोटेक्शन दे सकें। नेक्स्ट है हमारा सिंगल फेजिंग। सिंगल फेजिंग दैट मीन्स कि तीन फेज में से अगर कोई फेज रिमूव हो जाता है, बाय चांस उसका वायर ब्रेक हो जाता है, वॉट एवर कुछ भी हो जाए, मीन्स कि तीन फेज में से एक फेज मिले या फिर दो फेज मिले, तो ऐसी कंडीशन में मोटर का करंट काफी इंक्रीज हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करना जरूरी है, अदरवाइज मोटर हमारी डैमेज हो सकती है। सो दैट्स व्हाई उसके लिए अगेन थर्मल ओवरलोड रिले यूज की जाती है। सो एक फेज अगर
आर फेस हमारा मान लो कि कट हो जाता है, सो दूसरे दो फेस पे करंट इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई थर्मल ओवरलोड रिले से हम ये उसको ट्रिप कर सकते हैं। और एक दूसरा है कि सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर, कि अगर सिंगल फेज हो जाता है या दो फेज होता है तो ये उसको सेंस करके हमारे मोटर को सर्किट ब्रेक करता है। नेक्स्ट स्टॉलिंग कंडीशन है। स्टॉलिंग कंडीशन दैट मीन्स कि मोटर को जब हम सप्लाई देते हैं तो वो रोटेट होना स्टार्ट होता है, बट अगर उस पर स्टार्टिंग में काफी हैवी लोड हो या फिर बेरिंग्स प्रॉब्लम हो, जैसे कि बेरिंग्स जाम हो जाती है तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होती है। हम सप्लाई देते हैं फिर भी मोटर स्टार्ट नहीं होगी, तो ऐसे कंडीशन को हम स्टॉलिंग कंडीशन करते हैं। तो स्टॉलिंग कंडीशन में मोटर को ट्रिप करना बहुत जरूरी है, वरना स्टॉलिंग कंडीशन में वो काफी हाई करंट ड्रॉन करती है, सो दैट्स व्हाई उसका प्रोटेक्शन देना जरूरी है। तो वो प्रोटेक्शन के लिए थर्मल रिले यूज होती है। दूसरा है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, क्योंकि जैसे ही सप्लाई देंगे स्टॉलिंग कंडीशन होगा तो स्टार्टिंग में काफी हाई करंट ड्रॉन करेगा, इंस्टेंट करंट, सो दैट्स व्हाई इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। नेक्स्ट फॉल्ट है हमारा रोटर फॉल्ट। कि जो रोटर फॉल्ट है, तो अगर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हम यूज करते हैं तो रोटर फेज फॉल्ट बेसिकली नहीं होता है, बट अगर स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर यूज किया, वाउंड रोटर मोटर हमने यूज की, तो जो रोटर पे वाइंडिंग्स होता है तो तभी हमारा रोटर फॉल्ट जनरेट होता है। तो रोटर फॉल्ट को प्रिवेंट करने के लिए इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्विचिंग सर्जिस। तो स्विचिंग सर्जिस दैट मीन्स कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं या हमारा सर्किट ब्रेकर ऑन होता है, तब हमारा लाइन जो होता है उसमें एक सर्ज जनरेट होता है, मीन्स कि एक पीक वेव जनरेट होता है क्लोज होने के टाइम पे। सो दैट्स व्हाई वो पीक वेव को अगर मोटर को मिलता है तब उसमें डैमेज होने के चांसेस है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आरसी सर्ज मॉडिफायर, दैट मीन्स रेजिस्टर और कैपेसिटर के एक सर्किट होती है, तो वो सर्ज मॉडिफाइड कर देती है, दैट्स व्हाई उसको मोटर से प्रिवेंट करती है। सो दैट्स व्हाई ये स्विचिंग सर्जेस के लिए आरसी सर्ज मॉडिफायर यूज होता है। तो ये टोटल 9 एबनॉर्मल कंडीशन थी और ये उसका प्रोटेक्शन सिस्टम था। तो ये है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ मोटर।